खबर उधम सिंह नगर की खड़ीमा से है, जहां तहसील सभागार में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की 29वीं शहीद वर्षी पर शहीद स्मारक स्थल पर 1 सितंबर को होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम को भव्य, आकर्षक और रोचक बनाने की दृष्टिगत तैयारी को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर भाटिया के नेतृत्व में तथा खड़ीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी और समस्त राज्य आंदोलनकारी की उपस्थिति में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर रूपरेखा तैयार करने हेतु आंदोलनकारियों से सुझाव लिया गया। साथ ही आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी समय समय पर मुखर रहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रण पत्र प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि सभा के साथ ही शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी द्वारा पूर्व में घोषणा किया गया था कि 1 सितंबर को होने वाली श्रद्धांजलि सभा प्रतिवर्ष सरकारी आयोजन के रूप में मनाई जाएगी। इसी क्रम में 1 सितंबर को शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा को सरकारी आयोजन के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं का स्वागत सम्मान भी किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी नंदन सिंह खाया तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर भाटिया ने बताया कि शहीदों की 29वीं वर्षी को भव्य और आकर्षक तरीके से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा कैबिनेट मंत्री व सांसद अजय भट्ट भी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उधम सिंह, खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। समिति गठन कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आज हमारे यहाँ बैठना, हमारे बीच में सारे को बृहद आयोजन करके कैसे इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमारे बीच में यहाँ पे अपने उसके साथ साथ मंडी समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नंदन सिंह किया राज्य प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंगर पाटिल उप प्रशासन द्वारा की गई पाटिल जी से सभी आंदोलनकारी हमारे यहाँ पे क्या कर दिया है हमारे शुरू में जो एक मांग थी वो मांग भी आज भी वो कार्यक्रम अच्छा सरदार महोदय समाज जो 526 लोगों को जो है उनके लिए जो लाभ ज्ञापन है ज्ञापन 1 सितंबर को खटीमा में शहीद राज आंदोलनकारी जो श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाना है, उसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई थी, जिसमें राज्य आंदोलनकारी ने भाग लिया। और 1 सितंबर का कार्यक्रम किस तरह से अच्छा किया जाए, आज आने वाले अतिथियों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे मंच की क्या व्यवस्था होगी, और जो है कि जो अपना शहीद स्मारक है खटीमा में उसे किस प्रकार से सजाया जाएगा, इन सभी तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई और ये तय किया गया कि जो है पहली रात्रि को 1 तारीख के पहली रात्रि को पूरे शहीद स्मारक को सजाया जाएगा। वहाँ पे महिला राज्य आंदोलन के द्वारा वहाँ पर जो है दीयों का दिए जलाए जाएंगे और 1 सितंबर को प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी सहभागिता करेंगे और एक शिष्टमंडल यहाँ से जाकर माननीय धामी जी को उसके लिए आवेदन करेगा, उनको आमंत्रण पत्र देगा कि वो 1 तारीख के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे। और ये सारा कार्यक्रम क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कार्यक्रम घोषित किया गया है तो उसकी पूर्ण तैयारी जो है यहाँ के अधिकारियों द्वारा की गई। ये 1994 में 1 सितंबर मंगलवार के दिन राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा जो है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन और किसान जुलूस निकाला गया था, तो उसी सिलसिले में जो है जो गोलीकांड खटीमा में हुआ था तो उसमें जो है 7 सदादें हुई थी, यहाँ पर अध्यक्षता तो अनेक हुई थी और 7 सदादें जो सरकारी उसमें जमा है वो 7 लोग, तो उनकी बरसी के लिए जो है हम लोग जो है हर साल बरसी मनाते हैं उनकी, और ये 29वीं बरसी हम लोग जो है मनाने के लिए आज हमने जो आयोजन यहाँ पर किया है 25 तारीख का दिन तय किया था, तो यहाँ पर अजीम साहब की गरिमा में उपस्थित में प्रोग्राम होना था तो उनके अनुपस्थित होने से जो है यहाँ पर तहसीलदार महोदय ने जो है उनके सरकारी नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर हाजिर रहे।
तो हमारा जो पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको सरकारी प्रोग्राम घोषित किया था कि वहाँ पर जो भी खर्चे होंगे शहीद स्मारक के दौरान जो है वो उसमें जो है जो सरकारी खर्चा होगा कंप्लीट उसमें जो रीज बनती हैं जो उसमें टेंट की व्यवस्था होती है अन्य खर्चे जो होते हैं उसमें सरकार वहन करेगी उस खर्चे को। पिछले साल से जो है ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की घोषणा की थी, उससे पहले क्या होता था कि हम लोग मंच के माध्यम से सब लोग कलेक्शन करके इस कार्यक्रम को करते थे। तो इस बार पिछली बार से ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम घोषित हुआ, तो इस बार भी जो है सरकारी कार्यक्रम हो तो उसके लिए हमने जो है तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि एक हफ्ते से पहले हमने जो है कि कार्यक्रम यहाँ पर सुचारू रूप से हो, इसलिए हमने यहाँ पर आज एक हफ्ते पहले ही बैठक की है। अब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा तो इसमें हमारे जो है जो 31 की शाम को हमारे मातृ शक्ति द्वारा दीप प्रज्वलित किया जाएगा, शाम को उसमें जो है विद्युत व्यवस्था जो है रोशनी की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, साफ सुथरा वहाँ पर की जाएगी, और 1 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे वहाँ पर आ रहे हैं और अजय भट्टी हमारे सांसद महोदय भी वहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे शहीदों को, और बाहर से भी अन्य जनपदों से भी हमारे नेतागण और हमारे आंदोलनकारी भाई बंधु अन्य जनपदों से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं हर साल की तरह इस साल, और अभी जो है यहाँ पर जो हमारे शहीद समान को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ जय उत्तराखंड जय भारत।